खबर अलवर से ही। अलवर के बहुता कला थाना अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें एक को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। घायल राहुल यादव ने बताया कि फतेहपुर में वह अपनी जमीन पर तारबंदी कर रहे थे, तभी परिवार के ही महेश यादव और उसके परिजनों ने खेत में से रास्ते की मांग की, जबकि कागजों में जमीन में से कोई रास्ता नहीं है, जिस पर जबरन कब्जा करने की नीयत से महेश यादव, कमल, मनोहरी और मोनू सहित हरिओम ने लाठी फर्सियों से उन पर हमला बोल दिया, जिसमें राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और शिवलाल यादव, मनोज यादव, रामवीर यादव, नत्थी यादव आदि भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए कठुमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन राहुल की हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों पक्षों की ओर से बहुता कला थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। मेरा नाम राहुल यादव है, मेरा गांव फतेहपुर है। हमारे यहाँ पर हमारे खेत में हम तारबंदी कर रहे थे, क्योंकि पशु आवारे पशुओं का नुकसान होता है, तो हम तारबंदी कर रहे थे। वो हमारा खुद का खेत है, हमारी खातेदारी का है। उसमें से मनोरी यादव, जो कि हमारे ताऊ लगते हैं, वो उस खेत में से हमसे रास्ता मांग रहे हैं कि रास्ता दो। रास्ते के बदले में ना कोई ज़मीन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, और जबरन हमसे रास्ता मांग रहे हैं। जब हमने तारबंदी कर रहे थे तो वो पीछे से आए और हम लोगों पर हमला कर दिया। जिस लोग थे? छह लोग थे सर। क्या क्या हथियार थे उनके पास? फरसी भी थी, लाठी भी थी, बंदूक भी थी, सब हथियार थे सर। उनको कागजों में है क्या रास्ता? नहीं, कागजों में कोई रास्ता नहीं है। रजिस्ट्री में हमारे नाम है वो खेत, कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे साहब छह लोग घायल हुए। बाकी के? बाकी लोग हमारे जो कठुमर में वो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया है, जिसमें से एक मैं सीरियस हूँ, एक मेरे चाचा जी सीरियस हैं। किस किस को अलवर रेफर किया है? मेरे को अलवर रेफर किया है, उनको नहीं किया है।